हेलो दोस्तों, डीपीआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का हिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे। तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो को आप इंट्रोडक्शन वीडियो समझ सकते हैं। तो देखिए, फ्रेडरिक सूर्यो, ये स्टार्टिंग है आपके बुक का, एनसीईआरटी के बुक में आपका पहला टॉपिक यही है, फ्रेडरिक सूर्यो। तो देखिए, फ्रेडरिक सूर्यो वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट इन 1848। ही प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ फोर प्रिंट्स। ये एक आर्टिस्ट थे, किस सन के आर्टिस्ट थे, किस ईयर के आर्टिस्ट थे? 1848। कुछ डेट्स को आपको याद रख लेना होगा, जैसे 1848 है, इसे आपको याद रखना होगा। He prepared a series of four prints. इन्होंने चार prints बनाए थे, visualizing his dreams of a world made up of democratic and social republics. इन्होंने dream करके बनाया था कि आगे ऐसा होना चाहिए या होगा कि सारी country democratic country होगी, ऐसा इन्होंने dream किया था, think किया था। think करके इन्होंने ये painting बनाई थी, जो painting आपको ये बगल में दिख रही है। द फर्स्ट प्रिंट रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन ऑफरिंग होम एज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास थ्रू इट। अ फीमेल फिगर वॉज होल्डिंग द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन वन हैंड एंड चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर हैंड। इस प्रिंट में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ लोग हैं, इसका कलर थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको विजुअल हो सके। हाँ देखिए, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि एक ट्रेन एक कतार में खड़े हैं और आगे जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं वो आपको समझा रहा है कि ये कंट्रीज डेमोक्रेटी डेमोक्रेसी की तरफ जा रही है और इन्हें अब डेमोक्रेटिक लिबर्टी मिलेगी, डेमोक्रेसी की सारी सुख सुविधाएं इन्हें दी जाएंगी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के द्वारा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के द्वारा इन्हें डेमोक्रेसी प्रदान किया जाएगा, यही यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। इन्होंने एक हाथ में एक टॉर्च लिया है एक इलाइटमेंट का, और एक हाथ में एक चार्टर लिया है जो कि ह्यूमन राइट्स को बताता है। तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो भी इन्हीं का है, फ्रेडरिक सूर्यो। सूर्यो हैड अ यूटोपियन विजन ऑफ अ वर्ल्ड वेयर पीपल वर ग्रुप्ड एज अ डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर नेशनल फ्लैग्स एंड कॉस्ट्यूम्स। फ्रेडरिक सूर्यो ने अपना एक यूटोपियन विजन बनाया। यूटोपियन विजन मतलब एक ऐसी चीज़ें सोच लेना जो कि भविष्य में कभी भी संभव नहीं है। ऐसी चीज़ों को आप सोच लीजिए जो कि भविष्य में कभी भी संभव ना हो सके। जैसे आज से 50-60 साल पहले लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि फ़ोन से हम किसी और से दूसरे जगह रह के बात कर सकते हैं। तो उस टाइम अगर कोई इस बात को सोचता तो ये उसके लिए यूटोपियन विजन होता। तो पढ़ते हैं, सूर्यो हैड अ यूटोपियन विजन ऑफ अ वर्ल्ड वेयर पीपुल वर ग्रुप्ड एज अ डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर नेशनल फ्लैग्स एंड कॉस्ट्यूम्स। फ्रेडरिक सूर्यो ने सोचा कि अलग अलग ऐसे नेशंस होंगे जिसमें अलग अलग लोगों को उनके फ्लैग के द्वारा और उनके कपड़ों के द्वारा पहचाना जाएगा। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड लेड द प्रोसेशन। यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड ने इसकी स्टार्टिंग की, और फॉलोड बाई फ्रांस एंड जर्मनी, और फ्रांस एंड जर्मनी उनको फॉलो कर रहे हैं। और आगे देखिए, द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया द किंगडम ऑफ टू सिल्सिस लोम्बार्डी पोलैंड इंग्लैंड आयरलैंड हंगरी एंड रसिया केम आफ्टर जर्मन्स। ऑस्ट्रिया के लोग, किंगडम ऑफ टू सिल्सिस के लोग, लोम्बार्डी के लोग, पोलैंड इंग्लैंड आयरलैंड हंगरी और रसिया, ये जो ये कंट्री बताई गई हैं जो जर्मन के पीछे है, जर्मनी के पीछे हैं वो। और आगे देखिए, क्राइस्ट एंजल्स एंड सेंट्स आर लुकिंग डाउन ऑन द सीन फ्रॉम हेवेंस।
एवं दे सर्व एज ए सिंगल ऑफ फ्रेटर्निटी एमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो ये लोग ऊपर से देख रहे हैं, क्राइस्ट हैं और कुछ एंजल्स हैं यहाँ पर, वो लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये लोग भाईचारे में मिलने जा रहे हैं, मतलब ये लोग आपस में मिलने जा रहे हैं, वही आशीर्वाद वो लोग ऊपर से दे रहे हैं हेवन से, स्वर्ग से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789 नेशनलिज्म इमर्ज्ड विथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स रिजल्टेड इन द ट्रांसफर ऑफ सुवर्जिनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। तो 1789 में नेशनलिज्म राष्ट्रवाद उभरा, कहाँ उभरा? फ्रांस में उभरा, फ्रांस में राष्ट्रवाद उभरा 1789 में। इमर्ज मतलब उभरना, विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा एंड द पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स रिजल्टेड इन द ट्रांसफर ऑफ सुवर्जिनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। तो 1789 में कुछ ऐसा हुआ वहाँ पर फ्रांस में कि लोग उग्र हो गए और जो भी पावर्स थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वहाँ के मोनार्क के अंदर, वो फ्रेंच सिटीजन्स के पास आ गई, फ्रांस के लोगों के पास आ गई। उसमें मेनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स वर इम्प्लीमेंटेड इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ पैट्री द फादरलैंड एंड लॉ सिटूएन द सिटीजन्स। द ट्राइकलर वॉज चूजन एज द न्यू फ्रेंच फ्लैग। उसके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव किया गया, जैसे ला पैट्री द फादरलैंड और ला सिटूएन द सिटीजन्स, और वहाँ का एक ट्राइकलर फ्लैग भी बनाया गया फ्रांस का। आगे चलते हैं, नेपोलियनिक कोड। नेपोलियन रूल्ड फ्रांस स्टार्टिंग फ्रॉम 1799 टू 1815। ही गेन्ड एब्सोल्यूट कंट्रोल एंड पावर इन द ईयर 1799 बाय बिकमिंग द फर्स्ट कॉन्सुल। द फीचर्स ऑफ नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड ऑफ 1804 आर एज फॉलोज। नेपोलियन फ्रांस में रूल किया था 1799 से लेकर 1815 तक, और उसने फ्रांस में बहुत पावर इकट्ठा कर लिया था लोगों के द्वारा। उसने कुछ अपना एक नेपोलियनिक कोड भी बनाया था जिसे हम सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से जानते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था नेपोलियन ने जिसके ऊपर वो चलता था और लोगों को सर्वाइव करने का मौका देता था, वो अच्छे से रह सके, खा सके, उसमें कोई दिक्कत ना हो। सबको इक्वालिटी बिफोर द लॉ दिया, लॉ सबके लिए एक होगा। अंडर द नेपोलियनिक कोड द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज सिक्योर्ड। नेपोलियनिक कोड के अंदर जो भी प्रॉपर्टी की राइट्स होगी वो सिक्योर होगी, मतलब उसे कोई छीन नहीं सकता है। आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी ही रहेगी, उस पर किसी का अधिकार नहीं, उस पर सिर्फ आपका अधिकार है। ऑल बर्थ राइट्स एंड प्रिविलेजेस वर एबॉलिश्ड। जो भी बर्थ राइट्स थे, राजा महाराजा जिसको मजा ले रहे थे, जिसका बर्थ राइट्स का, उसे हटा दिया गया था फ्रांस से। और गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर लिफ्टेड, मतलब पहले कुछ ऐसा नियम था कि चार पांच लोग एक जगह खड़े होकर मतलब बात नहीं कर सकते थे, तो उस रिस्ट्रिक्शंस को इसने हटा दिया। आप कहीं भी खड़े होकर बात कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकने वाला है। लेकिन मोर ओवर नेपोलियन एक्चुअली टुक अवे द फ्रीडम ऑफ पीपल बाय फोर्सिंग देम टू ज्वाइन द फ्रेंच आर्मी। ऑल्सो ही इम्पोज्ड सेंसरशिप, इंक्रीज टैक्सेस एंड टुक अवे पॉलिटिकल फ्रीडम। लेकिन कुछ समय बाद वो लोगों को फोर्स करने लगा ताकि वो फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन करें और उस वो अपनी सेना को बढ़ा सके युद्ध के लिए। ये चीज़ लोगों को अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन लोगों ने नेपोलियन को भी हटा दिया। न्यू मिडिल क्लास, उस वीडियो में हम लोगों ने नेपोलियनिक कोड तक पढ़ा था। ये
नेपोलियनिक कोड हमने क्लियर कर दिया था और अब न्यू मिडिल क्लास पढ़ना है। तो देखिए, द न्यू क्लासिफिकेशंस वर डन बेस्ड ऑन वर्क कल्चर एंड ग्रुप ऑफ पीपल। एज अ रिजल्ट थ्री न्यू क्लासेस वर फॉर्म। जो न्यू क्लासिफिकेशन किया गया था वो किस बेस पर किया गया था कि उनका वर्क कैसा है, उनका कल्चर कैसा है और वो किस ग्रुप में रहते हैं, किस लोगों के बीच रहते हैं। तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला एरिस्टोक्रेसी, पीजेंट्री किसान और मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी में कौन थे? इट इंक्लूडेड पीपल हु ओन्ड लैंड, स्पोक फ्रेंच एंड वर कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। देवर हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। तो अरिस्टोक्रेसी उन्हें कहा जाता था जिनका खुद का अपना जमीन होता था, लैंड बहुत ज़्यादा होता था उनके पास, स्पोक फ्रेंच और फ्रेंच लैंग्वेज वो बोलते थे और कनेक्टेड थे एक दूसरे से मैरिज के थ्रू। देवर हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप, और वो बहुत ही स्मॉल ग्रुप में थे, मतलब कम लोग थे फ्रेंच फ्रांस में ऐसे लोग। पीजेंट्री मतलब किसान, ये ज्यादा लोग थे। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप बाय ऑफ दिस क्लास। जो सोसाइटी का, फ्रेंच सोसाइटी का जो ज्यादा हिस्सा था वो पीजेंट्री कवर करते थे, ज्यादा पॉपुलेशन। मिडिल क्लास, सिंस इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय अ न्यू मिडिल क्लास केम इनटू बीइंग नोन एज द वर्किंग क्लास। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ तब एक नया मिडिल क्लास उभर के आया। इट इंक्लूडेड आर्टिसियंस, जिसमें कि आर्टिसियंस थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे और कुछ बिजनेसमैन थे एंड सो ऑन, और कई अदर लोग भी थे। तो आगे देखते हैं, लिबरलिज्म। इन 1848 अ रिवॉल्यूशन वॉज लेड बाई एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल। इन 1848 अ रिवॉल्यूशन वॉज लेड बाई एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल। मेन एंड वीमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास डिमांडेड द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। इन 1848 अ रिवॉल्यूशन वॉज लेड बाई एजुकेटेड मिडिल क्लास। 1848 में एक रिवॉल्यूशन जो कि स्टार्ट किया गया था वो एजुकेटेड लोगों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। मेन एंड वीमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास डिमांडेड द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स। कुछ लोग चाहते थे कि लिबरल सोसाइटी उनका बने, आजाद, फ्रीडम रहे उनके सोसाइटी में। तो उन्होंने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था एक नेशन स्टेट बनाने के लिए। उस टाइम पे जैसे कोई मतलब कंट्री नहीं होता था ना, इसलिए उन्होंने नेशन स्टेट बनाने के लिए मांग की थी सरकार से। स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन विच अलाउज फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जो कि प्रेस का फ्रीडम प्रोवाइड करेगा, और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, किसी भी संगठन का फ्रीडम प्रोवाइड करेगा नॉर्मल लोगों को जो मिडिल क्लास थे, जो लिबरलिज्म चाहते थे। मेनी पॉलिटिकल एसोसिएशंस केम टुगेदर इन फ्रैंकफर्ट एंड डिसाइडेड टू कास्ट देयर वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली ऑन 1848 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अराइव्ड इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कॉन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। 1848 में कुछ लोग, कुछ संगठन, पॉलिटिकल संगठन इकट्ठा हुए। कहाँ इकट्ठा हुए? फ्रैंकफर्ट में। सेंट पॉल एक चर्च था, वहाँ पर इकट्ठा हुए। 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आए थे वहाँ पर गवर्नमेंट को चुनने के लिए कि उनका शासक कौन होगा फ्रैंकफर्ट के पार्लियामेंट्री में। अगला स्लाइड देखते हैं। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा फॉर द जर्मन नेशन टू बी रूल्ड बाय अ मोनार्की
गवर्न्ड बाय अ पार्लियामेंट। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जर्मन नेशन के लिए। द क्राउन वॉज ऑफर्ड टू फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को वहाँ का शासक बनाया जा रहा था, राजा बनाया जा रहा था, जो कि पर्सिया के किंग थे। बट ही रिजेक्टेड इट एंड ज्वाइंट अदर मोनार्क्स टू स्टैंड अगेंस्ट द इलेक्टेड असेंबली। लेकिन उन्होंने इस क्राउन को, इस राजगद्दी को रिजेक्ट कर दिया था, ताकि वो चाहते थे कि वहाँ पर मोनार्की रहे, तानाशाही रहे, इसलिए उन्होंने ये चीज़ इनकार कर दिया वहाँ का राजा बनने से। द मिडिल क्लासेस डोमिनेटेड द पार्लियामेंट एंड अ लार्ज नंबर ऑफ वीमेन पार्टिसिपेटेड इन द लिबरल मूवमेंट। तब मिडिल क्लास ने शासन को अपने हाथ में ले लिया, अपने तरफ कर लिया, जब उन्होंने इनकार कर दिया था। किसने इनकार किया था? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, जो कि किंग ऑफ पर्सिया के किंग थे। एंड लार्ज नंबर ऑफ वीमेन पार्टिसिपेटेड इन द लिबरल मूवमेंट। जनता ने, वहाँ की जनता ने कानून अपने हाथ में ले लिया और कई वीमेन्स ने पार्टिसिपेट किया। किसमें पार्टिसिपेट किया? लिबरल मूवमेंट में, मतलब आज़ादी पाने के लिए रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया। लिबरलिज्म, वीमेन फॉर्म्ड देयर ऑन पॉलिटिकल एसोसिएशन। औरतों ने अपना एक पॉलिटिकल संगठन, अलग पॉलिटिकल संगठन बनाया। मोरिवर दे फाउंडेड न्यूज़पेपर्स, उन्होंने नए न्यूज़पेपर्स निकाले। एंड टुक पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोंस्ट्रेशंस, बट देवर स्टिल डिनाइड सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। उन्होंने इतना सब कुछ लिया लेकिन अभी भी उनके पास वोट देने का अधिकार नहीं था। एज अ रिजल्ट इन द ईयर्स आफ्टर 1848, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि 1848 के बाद के सालों में द ऑटोक्रेटिक किंग्स ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप स्टार्टेड इनएक्टिंग द चेंजेस दैट हैड प्रीवियसली बीन मेड इन वेस्टर्न यूरोप प्रियर टू 1815। द सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर एबॉलिश्ड इन बोथ रशिया एंड हैब्सबर्ग डोमिनियन। 1848 के बाद जो सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोप, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप स्टार्टेड इनएक्टिंग द चेंजेस दैट हैड प्रीवियसली बीन मेड, इन्होंने कानून में बदलाव करना शुरू किया जो कि 1815 के पहले बनाए गए थे। क्या बदलाव किया? सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर एबॉलिश्ड, मतलब स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया, मतलब कोई गुलाम नहीं रहेगा किसी का दोनों जगह पे, इन बोथ रशिया एंड हैब्सबर्ग डोमिनियंस। अगला टॉपिक हमारा है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, एक लिबरलिज्म है, एक कंजर्वेटिज्म है। इन दोनों में हम अंतर बता देते हैं, अंतर तो खैर बहुत है इसमें। लिबरलिज्म जो है वो फ्रीडम जो लोग चाहते हैं कि हम आज़ादी से रहें, फ्रीडम। उन्हें लिबरलिज्म कहते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि हमारे कंट्री में मोनार्की हो, एरिस्टोक्रेसी हो, उन्हें कंजर्वेटिज्म कहते हैं। इन 1815 कंजर्वेटिज्म वॉज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द पॉलिसीज ऑफ यूरोपियन गवर्नमेंट। कंजर्वेटिव्स सपोर्टेड द मोनार्की, द चर्च मोनार्की को सपोर्ट करते थे, चर्च को सपोर्ट करते थे, सोशल हायरार्की को सपोर्ट करते थे। सोशल हायरार्की मतलब जो हमारे सोसाइटी में जैसे वर्ग को बांटा गया है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ऐसे ही वहाँ पे भी बांटा गया था, उसी को सोशल हायरार्कीज कहते हैं। प्रॉपर्टी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द फैमिली। इट वॉज बिलीव्ड दैट अ मॉडर्न आर्मी
इट वॉज बिलीव्ड दैट अ मॉडर्न आर्मी एन इफिशियंट ब्यूरोक्रेसी अ डायनेमिक इकोनॉमी एंड द एबॉलिशन एंड एलिमिनेशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सबडम कुड स्ट्रेथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ यूरोप। ऐसा माना जाता है कि एक मॉडर्न आर्मी एन इफिशियंट ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही, और डायनामिक इकोनॉमी एंड द एबॉलिशन एंड एलिमिनेशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम, इन चीज़ों को हटाया जाए, जैसे फ्यूडलिज्म मतलब सामंतवाद एंड सर्फडम, सर्फडम मतलब स्लेव जिसको कहते हैं नौकर, कुड स्ट्रेथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। ये चीज़ें ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज को सपोर्ट करेंगी, आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। फर्दरमोर इन 1815 द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन रशिया पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया मेट इन वियना टू ड्राफ्ट अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। इस चीज़ को लेकर जो भी यूरोपियन पावर के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जैसे ब्रिटेन रशिया पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया, ये वियना में मिले समझौता करने के लिए कुछ। द बर्बन डायनेस्टी वॉज रीइंस्टेटेड एंड फ्रांस लॉस्ट कंट्रीज इट हैड गेन्ड अंडर नेपोलियन। बर्बन डायनेस्टी को फिर से लाया गया ट्रीटी ऑफ वियना के बाद, जिसकी वजह से जो भी एरिया, जो भी राज्य नेपोलियन ने अपने अंडर में लिया था, वो सारे फ्रांस से छीन लिए गए। द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वॉज वन ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वॉज वन ऑफ द मेजर इश्यू टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज्ड द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर। प्रेस का फ्रीडम एक बहुत ही बड़ा मुद्दा लिया गया था, किसके द्वारा? लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा एक बहुत ही बड़ा मुद्दा लिया गया था, किसकी? कंजर्वेटिव्स की निंदा करने के लिए, उनको खराब बताने के लिए। अगला टॉपिक देखते हैं, द रिवॉल्यूशनरीज। मेनी सीक्रेट सोसाइटीज वर एस्टेब्लिश्ड इन यूरोपियन स्टेट्स इन 1815। बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटी बनाए गए थे यूरोप में 1815 में, टू एजुकेट रिवॉल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियोलॉजी द रिवॉल्यूशनरीज अपोज्ड मोनार्कियल फॉर्म्स एंड फॉट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। 1815 में बहुत सारे सोसाइटी बनाए गए थे, सीक्रेट सोसाइटी जिन्हें कहते हैं, उसमें ग्यूसिपी मजीनी ने बनाया था एन इटालियन रिवॉल्यूशनरी। बॉर्न इन जिनोवा इन 1807 फॉर्म्ड टू मोर सीक्रेट सोसाइटीज। ग्यूसिपी मजीनी ने दो सीक्रेट सोसाइटीज बनाए थे 1807 में, एक यंग यूरोप और एक यंग इटली। द फर्स्ट वॉज यंग इटली इन मर्साइल्स एंड द सेकेंड वॉज यंग यूरोप इन बर्न, विच इंक्लूड लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम जर्मनी पोलैंड फ्रांस एंड इटली, जिसमें कि उन्होंने यंग मैन को चुना था, यंग लोगों को चुना था और माइंडेड थे वो। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 और 1848 के बीच का जो समय है उसे द एज ऑफ रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। लिबरल रिवॉल्यूशनरीज ओवर थ्रू द बर्बन किंग्स इन जुलाई 1830 एंड रिप्लेस देम विद अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कमांडेड बाय लुइस फिलिप। 1830 में जो लिबरल रिवॉल्यूशनरीज थे, उन्होंने ओवर थ्रू कर दिया, हटा दिया, किसको हटा दिया? बर्बन किंग्स को हटा दिया जुलाई 1830 में, और बर्बन किंग्स को रिप्लेस कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, किसके देख रेख में? कमांडेड बाय लुइस फिलिप के देख रेख में। द जुलाई रिवॉल्यूशन ट्रिगर्ड अ रिवॉल्ट इन ब्रुसेल्स विच रिजल्टेड इन बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द किंगडम ऑफ नीदरलैंड। ग्रीक्स फॉट फॉर देयर इंडिपेंडेंस इन 1821।
तो जो जुलाई रिवॉल्यूशन था वो ब्रुसेल्स में विद्रोह का कारण बना, और जिसकी वजह से बेल्जियम जो है बेल्जियम किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया, और ग्रीक्स ने अपनी लड़ाई जारी रखी इंडिपेंडेंस के लिए। अगला स्लाइड देखते हैं, मेकिंग ऑफ जर्मनी। नेशनलिज्म इन यूरोप बिगेन टू डिसोसिएट इट्सेल्फ फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन आफ्टर 1848। जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट्स। नेशनलिज्म इन यूरोप बिगेन टू डिसोसिएट इट्सेल्फ फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन आफ्टर 1848 के बाद जो भी यूरोप के अलग अलग देश थे वो रिवॉल्यूशन मतलब वो आज़ाद हो रहे थे धीरे धीरे। तो जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज ए नेशन स्टेट 1848 में जर्मनी और इटली ये दोनों एक अलग कंट्री बन गए थे, यूनिफाइड नेशन स्टेट बन गए थे। प्रूशिया टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन, और इसकी जिम्मेदारी नेशनल यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी जो थी वो प्रशिया के ऊपर थी, और ऑटो वन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द रिवॉल्यूशनरी प्रोसेस एंड कैरीड इट आउट विद द हेल्प ऑफ द पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। जो ऑटो वन बिस्मार्क थे, ऑटो वन बिस्मार्क ये पर्शियन आर्मी की मदद से और नौकरों की मदद से जर्मनी को आज़ाद करवाए थे। ऑटो वन बिस्मार्क ये नाम आपको याद रखना होगा, एग्जाम में पूछता है। इन जनवरी 1871 द किंग ऑफ पर्शिया विलियम फर्स्ट वॉज क्राउंड एज जर्मन एम्परर इन द सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल्स। जनवरी 1871 में किंग ऑफ पर्शिया, पर्शिया के राजा को जर्मन का शासक बना दिया गया, जर्मनी का, जो कि विलियम फर्स्ट थे। कहाँ पर बनाया गया था? सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल्स, जो वर्साइल्स पे जो समारोह हुआ था वहाँ पे इनको जर्मनी का शासक बना दिया गया था। किसको? विलियम फर्स्ट को। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस डिमॉन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ पर्शियन स्टेट पावर मॉडर्नाइजिंग जर्मनी फाइनेंशियल लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम वर अ टॉप प्रायोरिटी फॉर द न्यू स्टेट। मॉडर्नाइजिंग जर्मनीज फाइनेंशियल लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स वर अ टॉप प्रायोरिटी फॉर द न्यू स्टेट। जर्मनी को मॉडर्नाइज करना फाइनेंशियल तरीके से, लीगल तरीके से और जुडिशियल तरीके से, ये और जो मतलब नेशन स्टेट जो बन रहे थे उस टाइम उनके लिए एक उत्साह था। ये जो स्टेट शब्द बार बार आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब कंट्री है, यहाँ पर कंट्री माना गया है स्टेट को। अगला स्लाइड देखते हैं, मेकिंग ऑफ इटली। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में ये 7 भाग में बटा हुआ था। आउट ऑफ ऑल द 7 स्टेट्स सार्डिनिया पिडिमोंट वॉज रूल्ड बाई एन इटेलियन प्रिंसली। इन 7 राज्यों में से सार्डिनिया पिडिमोंट इटली का एक ऐसा पार्ट था जो कि रूल किया जा रहा था, सिर्फ एक यही पार्ट था जो इटालियन प्रिंस रूल कर रहा था। ऑल अदर रीजन्स वर डोमिनेटेड एंड रूल्ड बाय द डिफरेंट किंग्स। और जो सारे अलग अलग राज्य थे वहाँ के जगह थे उनको अलग राजा के द्वारा चलाया जा रहा था। इन 1830 ग्यूसिपी मजीनी फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी रिफर्ड टू एज यंग इटली। 1830 में ग्यूसिपी मजीनी ने यंग इटली नाम का एक सीक्रेट सोसाइटी बनाया और इन्होंने इटली को आज़ाद कराया। द मूवमेंट वॉज लेड बाई चीफ मिनिस्टर कैवोर। ये जो मूवमेंट था इटली को आज़ाद कराने का वो मिनिस्टर चीफ कैवोर के हाथ में था। इन 1859 सार्डिनिया पिडिमोंट डिफीटेड द ऑस्ट्रियन फोर्सेस। 1859 में सार्डिनिया पिडिमोंट ने ऑस्ट्रिया के राजा को और ऑस्ट्रिया की आर्मी को हराया। इन 1860
दे मार्च इन टू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ द टू सिल्सिस एंड अल्टीमेटली सक्सीडेड इन द विनिंग द सपोर्ट एंड द हेल्प ऑफ द लोकल पीजेंट्स। और वहाँ के जो लोकल किसान थे उनके द्वारा इन्होंने टू सिल्सिस को भी अपने कब्जे में ले लिया। इन 1861 विक्टर इमैनुअल सेकेंड वॉज डिक्लेयर्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। 1861 में जो विक्टर इमैनुअल सेकेंड थे वो डिक्लेयर किए गए थे यूनाइटेड इटली के शासक के रूप में। ये 1861 ये डेट इम्पॉर्टेंट है और विक्टर इमैनुअल सेकेंड ये नाम इम्पॉर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है या पूछ लेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगले स्लाइड पे चलते हैं। ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन रिप्रेजेंटेड द नेशन। प्रियर टू द 18th सेंचुरी देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन। द नेशन बिकेम पावरफुल एज इट स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रीव इन वेल्थ इम्पोर्टेंस एंड पावर। ग्रेट ब्रिटेन आज के टाइम पे एक नेशन के रूप में देखा जाता है, लेकिन 18th सेंचुरी के पहले देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन, वहाँ पर कोई ब्रिटिश नेशन नहीं हुआ करता था। द नेशन बिकेम पावरफुल एज इट स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रीव इन वेल्थ। वो पावरफुल कैसे हुआ, अपने वेल्थ को बढ़ाया, अपने पावर को बढ़ाया। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये जो एक्ट है द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम में। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के तहत इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को एक में मिला दिया गया था और इंग्लैंड के जो पावर्स थे वो स्कॉटलैंड पर थोप दिए गए थे। तो इन दोनों कंट्री को मिला के एक अलग कंट्री बनाया गया जिसका नाम था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इट मीन्ट दैट इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। इस एक्ट ऑफ यूनियन 1707 का मतलब ये था कि इंग्लैंड किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को स्कॉटलैंड पर थोप सकता है। इन 1801 आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इन टू द यूनाइटेड किंगडम और 1801 के बाद में आयरलैंड को भी मिला लिया गया था किसमें, यूनाइटेड किंगडम में। द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन सच एज द ब्रिटिश फ्लैग यूनियन जैक, ब्रिटिश फ्लैग का नाम है यूनियन जैक, द नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग एंड द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड। 1801 में जब आयरलैंड को मिला लिया गया उसके बाद ब्रिटेन के सिंबल्स बनाए गए जिसमें कि ब्रिटिश फ्लैग था, नेशनल एंथम था जिसका नाम था गॉड सेव आवर नोबल किंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड, और इंग्लिश लैंग्वेज प्रमोट किया गया जा रहा था। अगला स्लाइड देखते हैं। नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म हैड लॉस्ट इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट। आफ्टर 1871 द बाल्कन रीजन वॉज द मेन कॉज ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप। द स्लेव्स वॉज अ कलेक्टिवली नेम फॉर द पीपुल हु लिव्ड इन द जियोग्राफिकल डाइवर्स एंड एथनिकली डाइवर्स रीजन ऑफ द बाल्कन्स विच इंक्लूड मॉडर्न डे रोमानिया, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, बोस्निया, हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, स्लोवेनिया। 19th सेंचुरी के लास्ट में
नेशनलिज्म हैड लॉस्ट इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट। नेशनलिज्म ने अपना आज़ादी का भाव ख़त्म कर दिया और वो ये सोचने लगे कि अपने राज्य को बढ़ाएं, अपने कंट्री को बढ़ाएं, अपने कंट्री के पावर को बढ़ाएं, अपने कंट्री के वेल्थ को बढ़ाएं, अपने कंट्री के एरिया को बढ़ाएं। तो ये चीज़ें क्या बन गई धीरे धीरे, इंपेरियलिज्म। After 1871, the Balkan region was the main cause of nationalist tension in Europe. 1871 के बाद जो Balkan region था वो एक बहुत बड़ा problem बन गया इसके लिए, यूरोप के लिए। The Slavs was a collectively name for people who lived in the geographically diverse and ethnically diverse region of Balkans, which included modern day Romania, Macedonia, other countries. You can see here. The Balkans become very volatile region due to the growth of romantic nationalism. जो Balkans country था, जो area था Balkan का, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा, मतलब उसकी power बढ़ने लगी बहुत तेजी से। Nationalism and the fall of Ottoman Empire, राष्ट्रवाद और fall of Ottoman Empire, Ottoman Empire का कमज़ोर होना। The Ottoman Empire attempted to strengthen itself. Ottoman Empire ने बहुत कोशिश की कि वो मजबूत बन सके बालकन में itself. Throughout the 19th century of the modernization and internal reforms, but received very little success. उसने modernization किया, modern बनाया, internal reforms किया, लेकिन उसे success नहीं मिली या फिर बहुत कम success मिली। अगला टॉपिक देखते हैं इसी का, नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म का। ड्यूरिंग दिस पीरियड द यूरोपियन नेशंस इंगेज्ड इन फायर्स कंपटीशन ओवर ट्रेड, कॉलोनीज एंड नवल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। 19th सेंचुरी के लास्ट में यूरोपियन नेशंस, यूरोप के देशों ने मतलब विकास करना शुरू किया, विकास इस तरह से करना शुरू किया कि वो अपना कंट्री तो ले ही रहे हैं, बाकी दूसरे के कंट्री पे भी कब्जा करना चाह रहे थे। ये चीज़ें यहाँ पे बताया गया, इसलिए उन्होंने कंपटीशन शुरू किया ट्रेड में, कॉलोनीज में, नवल मतलब नौसेना में, मिलिट्री आर्मी में, इन सबको मजबूत करना शुरू किया। 1914 saw the devastation of Europe brought on by nationalism and imperialism. 1914 में एक तबाही देखी गई, डिवेस्टेशन मतलब तबाही यूरोप में, जो कि लाई गई थी नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म के द्वारा। एंटी इंपेरियल मूवमेंट केम इनटू इफेक्ट बट दे स्ट्रगल टू फॉर्म द इंडिपेंडेंट नेशनल स्टेट्स। हाउएवर द आइडिया ऑफ नेशनल स्टेट्स वाज एक्सेप्टेड एंड एवरीवन एग्रीड ऑन द कॉन्सेप्ट। उस टाइम पे एंटी इंपीरियल मूवमेंट चलाया गया जो कि इफेक्ट में आया, और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया कंट्री को एकजुट करने में। तो मेन इंपीरियलिज्म का मतलब यही है कि जब कोई कंट्री अपने कंट्री को तो देखती ही है, संभालती ही है, लेकिन वो दूसरे कंट्रीज पर भी कब्जा करना चाहती है, तो ये इंपीरियलिज्म होता है। और नेशनलिज्म बस मतलब अपने धरती पर, अपने कंट्री में वो लोग शांति ढंग से रहें, आज़ादी से रहें, ये नेशनलिज्म है। लेकिन इंपेरियलिज्म जब कोई अपने कंट्री को बढ़ाने की कोशिश करता है लड़ाई झगड़ा करके, युद्ध करके, उसे इंपेरियलिज्म कहते हैं और कुछ नहीं है। तो धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।